हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक और ओल्ड टेक में। हम लोग बात करेंगे 1682 और 3574 के बारे में कि उसमें प्रॉब्लम क्या होता है और कैसे उसको सॉर्ट आउट करना है। गाड़ी है 1682 और 3574 है तो यूरिया नहीं उठा रहा तो प्रॉब्लम क्या है उसमें, उस चीज़ को हम लोग चेक करेंगे। 1682 हमारा प्रेशर लाइन का और 3574 है हमारा, वो भी है यूरिया लाइन का, प्रेशर लाइन का है। सिग्नल मोटर में नहीं मिलता है तब भी आता है वो, और यूरिया सेक्शन जाम हो जाता है तब भी आता है। चलिए देखते हैं क्या दिक्कत है उसमें। हेलो भाई, मैं रिजवान, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक के ओल्टेक में। लैपटॉप हमारा कनेक्ट है, यूरिया नहीं कर रही गाड़ी। फॉल्ट कोड आया हुआ है 3574 1682, दोनों एक्टिव में है भाई। 3574 हमारा 28 बार काउंटिंग है और 1682 एक बार, 4271 इनएक्टिव एक बार है, 4239 एक बार है, 0238 13 बार है और 0689 एक बार है। तो एक्टिव में जो फॉल्ट कोड है हमारा 1682 और 3574, उस पर हम लोग काम करेंगे। अब इसको पहले हम लोग डोजिंग करा के देखते हैं क्या रिजल्ट आता है इसमें। एसीएम डायग्नोस्टिक टेस्ट में जाके डीएफ ओवरराइड टेस्ट करेंगे। गाड़ियाँ स्टार्ट कर देते हैं पहले। गाड़ियाँ स्टार्ट हो गई है हमारा, थोड़ा सा प्रेशर बना लेते हैं और ओवरराइड करते हैं इसका। चलिए ओवरराइड शुरू हो गया हमारा, देख सकते हैं प्रेशर तो बना रहा है लेकिन काफ़ी स्लो बना रहा है। थोड़ा सा इंजन रेस करो भाई, इंजन रेस से इसलिए लैपटॉप हिल रहा है भाई, वीडियो बना के डालना पड़ता है इसलिए साउंड आप लोग को गाड़ी का नहीं मिल रहा है। देख सकते हैं हमारा प्रेशर बढ़ रहा है। प्रेशर बढ़ तो रहा है लेकिन बहुत स्लो जा रहा है ये भाई। डोजिंग कराते समय एक बात का ध्यान रखना है कि प्रेशर 25 से 30 सेकंड के अंदर में हो जाना चाहिए, या फिर हार्डली से हार्डली एक मिनट, लैपटॉप के थ्रू से करेंगे तो एक मिनट के अंदर हमको डोजिंग हो जाना चाहिए। और जब हम डोजर मशीन में टेस्ट करते हैं तो वही 25 से 30 सेकंड का टाइम वहाँ लेता है हमारा डोजिंग के लिए, और यहाँ एक मिनट के अंदर होना चाहिए। देख सकते हैं प्रेशर बहुत स्लो बना रहा है यहाँ पर। प्रेशर हमारा बन रहा है लेकिन बहुत स्लो बन रहा है, इसको थोड़ा इतना देर में इसको डोजिंग कर देना चाहिए था। अभी तक देख सकते हैं एक एक पॉइंट करके बढ़ रहा है प्रेशर हमारा। चलिए देखते हैं कितना दूर तक जाता है प्रेशर। दो सौ 96 97 300 पार हो गया भाई, लेकिन इतना स्लो। अब तो ये सिस्टम पार्ज ले लेगा, अब डोजिंग होगा नहीं क्योंकि टाइम लगभग होने वाला है एक मिनट। देखिए पार्ज ले लिया हमारा ये, और प्रेशर वापस रिटर्न हो गया। सबसे पहले हम लोग इसका डोजर मशीन में 1682 और 3574 है तो 1682 प्रेशर लाइन का होता है और 3574 कोई सिग्नल वगैरह नहीं मिलता मोटर को, तो ये लाइन जाम होता है तो जिसके कारण से 3574 आता है। और काउंटिंग भी अच्छा खासा टाइम हुआ 28 बार। डोजर मशीन खुल गया भाई, इसका पहले फिल्टर खोल के चेकअप करेंगे हम लोग। भाई फिल्टर दिखाओ, फिल्टर का हालात तो बहुत नया लग रहा है, इसको चेंज करेंगे, पुराना वाला लगाएंगे। मालिक लोग गाड़ी का सर्विसिंग का ध्यान देता है लेकिन यूरिया मशीन में, यूरिया मशीन का भी सर्विस होता है, इनको ये चीज़ पता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन ध्यान नहीं दे पाते भाई, इनको मजाक में ले लेते हैं, इसलिए
1 लाख किलोमीटर में फ़िल्टर चेंज होता है इसका, लेकिन अब बेहतर होगा कि मार्केट में डुप्लीकेट फ़िल्टर बहुत ज़्यादा आ गया है, तो रीज़न है कि 6 महीने के अंदर अंदर उसको बदली कर दीजिए जब सर्विस होता है तब तक, क्योंकि ज़्यादा महंगा तो है नहीं। इसका आगे देखते हैं, यूरिया प्रेशर लाइन में यूरिया जमा तो नहीं ना है, खोल के चेक कर लेते हैं। उस हिसाब से हम लोग डोजर सर्विस के देख सकते हैं पूरा यूरिया जमा हुआ हमारा यहाँ पे, यूरिया जम गया और अब इसको सर्विस भी करना पड़ेगा। देखते हैं, खोलते हैं इसको पूरा और इसको सर्विस करेंगे हम लोग। ये चेक वाल्व है भाई, हवा इसी के थ्रू से जाता है और हवा रोकना और कब देना है ये उसी का काम है, चेक वाल्व का। ये सेंटर वाल्व है जिसके नोजल, इसमें नोजल लगा हुआ रहता है और पीछे एयर मिक्सर प्रेशर सेंसर होता है, सॉरी एयर प्रेशर सेंसर होता है, आगे वाला एयर मिक्सर प्रेशर सेंसर है। तो यहाँ पर देखते हैं यहाँ भी यूरिया जमा है क्या, इसको भी खोल के चेक कर लेते हैं। यूरिया एक जगह जमा हुआ है, लेकिन खोल के चेक करने का रीज़न ये होता है कि अगर हमारा प्रॉब्लम हो कहाँ से रहा है। देखिए यहाँ पे यूरिया नहीं है, यहाँ तक यूरिया ठीक आया हुआ है, मतलब यहाँ हवा से लेकर आगे तक हमारा यूरिया नहीं जा रहा है, प्रेशर उतना बनाते बनाते ही पर्ज ले रहा है सिस्टम हमारा। इसको पूरा खोल के हम लोग अभी सर्विस करेंगे। भाई डोजर हो गया हमारा सर्विस, अब इसको फिट कर देते हैं। थोड़ा वीडियो कट कर दिए भाई, बहुत लंबा वीडियो बन रहा था इसलिए, लेकिन आपको समझना ये है कि डोजर सर्विस हो चुका है और इसको हम लोग फिटिंग कर रहे हैं। ये बाईपास बल्ब है, मोटर जब प्रेशर बनाते हैं ओवर राइड करते हैं तो उसका बल्ब ओपन रहता है उस समय, अगर क्लोज हो जाता है किसी कारणवश तो प्रेशर नहीं बनाएगा हमारा, उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है प्रेशर में। इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि जब हम लोग राउंड कपलर, पीछे वाला जो राउंड कपलर लगा हुआ रहता है, जब की ऑन करके हम लोग उसमें उसको खोल के जब लगाते हैं उसमें तो टक से आवाज़ आती है, वो आवाज़ बाईपास बल्ब का ही होता है, उसको करंट मिलते ही वो अपना जगह पे आ जाता है, काम करना शुरू कर देता है वो। लेकिन उसका भी टाइमिंग है, बाईपास बल्ब ओपन क्लोज होते रहता है, जिस हिसाब से यूरिया उसको चाहिए उस हिसाब से देता है, उसके बाद क्लोज हो जाता है। देखते हैं, सर्विस तो हो गया, डोजर हमारा फिटिंग हो जाए उसके बाद चेक करेंगे, मोटर फिट कर देते हैं। मोटर ओके है इसका, चेक कर लिए हैं प्रेशर से, देसी जुगाड़ से प्रेशर से ही बना रहा है ये। चलिए डोजिंग करा के देखते हैं फिट हो रहा है, उसके बाद देखेंगे क्या दिक्कत है। पूरा इसका बाहर का सिस्टम भी फिट कर देते हैं। ये 3641 का रिंच है, राउंड कपलर लिए डोजिंग करा के देख लेते हैं क्या हो रहा है।
ओल्ड कोड अभी भी एक्टिव है। यार रोक लो ने, चल भी घर। चल घर, मेरे तो कल जा। चल चल लो ये एक्टिव कर, वीडियो दे लो ही तरह। डोजिंग स्टार्ट हो गया भाई, प्रेशर नहीं बना रहा है। प्रेशर नहीं बना रहा, डोजिंग तो हुआ लेकिन प्रेशर नहीं बढ़ रहा। मोटर भी वर्क कर रहा है। चलिए लास्ट ऑप्शन है, देख लेते हैं इसका सेक्शन। प्रेशर बढ़ रहा लेकिन बहुत स्लो बढ़ रहा है। पिछले बार जब खुला नहीं था तो प्रेशर अच्छा खासा बढ़ा था, अब डोजर मशीन सर्विस होने के बाद प्रेशर और नहीं बढ़ रहा है। क्या प्रॉब्लम है देखते हैं, साला क्या नया बीमारी क्रिएट करता है। ये प्रेशर कितना स्लो बन रहा है। चल भाई नहीं बनेगा तो चलिए चेक करते हैं इसका सेक्शन लाइन। सेक्शन चेक नहीं हुआ था, बाकी इसका डोजर सर्विस हो गया और फिल्टर चेंज हो गया था, मोटर भी चेकअप हो गया, सही है। अब भाई पहले इसका सेक्शन भाई खोल के चेक कर लेते हैं। ये 17 मॉडल का है तो पता नहीं चल रहा लीक है या नहीं। इसको इसका लॉक जो उसको कवर हटा के वहाँ से देखेंगे कि हमारा ये सेक्शन सही है या ख़राब। इसे लॉक को थोड़ा सा फैला देना है। दूसरा पेचकस दो भाई, इस छोटा वाला। चलिए सेक्शन खुल गया, अब देखिए क्या पोजीशन बनाया है। टूट गया है भाई, सेक्शन का प्रॉब्लम है, देख सकते हैं सेक्शन हमारा जड़ से टूट गया है। अंदर से सेक्शन टूट गया। 16, 82 और 35, 74 हमारा इसी की वजह से आ रहा था। अब सेक्शन को करेंगे हम लोग चेंज और क्रैक देखते हैं। अब डोजिंग सेक्शन हो गया है चेंज, डोजिंग क्रैक चेक कर लेते हैं क्या प्रेशर बना रहा है कि नहीं। प्रेशर तो बना लेना चाहिए अब ना भाई। अरे भैया शुरू हो जा, 1 2 3 स्टार्ट। थोड़ा सा एक्सलेटर ले ले भाई। प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हो गया भाई, देखिए कैसे प्रेशर बढ़ रहा है धीरे धीरे, एक एक पॉइंट। प्रेशर अब स्पीड से बढ़ने लगा। तो एक चीज़ का ध्यान देना भाई, हम लोग को ध्यान ये देना कि मोटर का प्रेशर लैपटॉप में तो सिस्टम है कि 1 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए, नहीं तो पर्ज ले लेता है। और अगर यूरिया टेस्टर मशीन में हम लोग इसको जब चेक करते हैं तो उसमें 25 से 30 सेकंड का टाइमिंग दिया हुआ रहता है। उसके अंदर में ने दिया हुआ था 1 मिनट का रहता है, लेकिन 25 से 30 सेकंड के अंदर में इसको डोजिंग कर देना है। और डोजिंग कर दीजिए, हो जाएगा तो मतलब समझ जाइएगा हमारा डोजर मशीन सही है। डीजल एग्जस्ट फ्लड बाईपास वाल्व पोजिशन,
ओपन क्लोज, ओपन क्लोज टाइमिंग से होना चाहिए ये। देखिए डोजिंग हो रहा है। चलिए थैंक यू भाई, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो यार, कमेंट उमेंट करते नहीं आप लोग, वीडियो नहीं डाल रहा हूँ इसलिए, क्या कर दो भाई, थैंक यू।